नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप देख रहे हैं बबलू के बगिया अपना यूट्यूब चैनल। इसमें मैं मेनली गार्डनिंग से रिपोर्टेड नए नए आइडियाज़ लेके आता हूँ, जो आपको अपने पौधों को सुरक्षित और तंदुरुस्त और बढ़िया फूल लेने के काम आएगा। और ये मुफ्त की टिप्स के लिए आपको दोस्त कुछ नहीं करना है, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट में मुझे बताना है कि और मैं आपके लिए किस टॉपिक पे नया वीडियो लाऊं। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि एक पौधे से कैसे मैं 10 पौधे 20 पौधे तैयार कर सकता हूँ। गार्डन से आप एक पौधे खरीद के लाएंगे और उस एक पौधे से कैसे आप फ्री में 10 या 15 पौधे तैयार कर लेंगे घर बैठे बैठे, और अपने खर्चों को बचाएंगे और एक ही पौधे से अनेक पौधे बनाएंगे अपने गमले में, इसको रिपोर्ट करेंगे। तो आज जो मैं पौधे आपको दिखाने वाला हूँ वो है दोस्तों विंटर लिली, जो सर्दियों के समय में बहुत प्यारा फूल आता है। इसमें लाल रंग का फूल आता होगा, आता है, आप देखते होंगे। तो इसको मैंने अभी अभी गमले से बाहर निकाला है और इसको अपने द्वारा बनाया हुआ ग्रो बैग में रिपोर्ट करने वाला हूँ। और ये छोटा से गमले में था जिसकी वजह से इसकी मतलब विकास रुक गया था, ज़्यादा नहीं फूल आ रहा था। इसको मैं सेपरेट करके अलग अलग लगाऊंगा जिससे इसमें बढ़िया ग्रो आएगा और मार्च अप्रैल के समय में इसमें बहुत बढ़िया फूल आएगा। तो आइए मैं दिखाऊँ आपको कैसे हम इसको लिली को अलग अलग करके लगाते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए नया नया वीडियो फिर से लाने के लिए उत्साहित होऊंगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक साथ एक गमले में लगा हुआ पौधा था। ये मेनली बल्ब से उगाए जाते हैं, ये आप देख रहे हैं प्याज की गठरी जैसे जो ये दिख रहा है, ये बल्ब है, इसी बल्ब से पौधे तैयार किए जाते हैं। साल में एक बार इसको रिपोर्ट जरूर करें ताकि ये बढ़िया से फूल दे सके आपको। ये देखिए ये एक साथ लगे हुए, इसको मैं ये ऐसे सेपरेट कर दिया। इसमें भी दो पौधे हैं दोस्तों, देखिए अलग अलग करना है इसको, और इस तरीके से ये पौधा तैयार हो गया। एक से कई सारे पौधा तैयार करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एक पौधा मैंने लाया था नर्सरी से खरीद के, उससे इतने सारे पौधे अब अपने नर्सरी में तैयार हो गया। ये बल्ब है, इसको भी आप अलग अलग करके ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों, इससे भी निकल आएगा गमले, इससे भी फूल अलग अलग पौधे आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये एक कितना प्यारा फूल है, ये है गमला, ये है, देखिए ये सेपरेट करने का आसान तरीका। ये अब एक ही पौधे से आप देख लीजिए दोस्तों मैंने कितने पौधे तैयार कर लिया है अपने बगीचे के लिए, काउंटिंग सारे अलग अलग मैं लगा दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसको भी यदि हम लगा देंगे तो 9 और 3, 12 लगभग एक पौधे से हमने एक दर्जन पौधे तैयार कर लिए दोस्तों, जिसको अब मैं रिपोर्ट करके दिखाऊंगा। इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल से गार्डन सॉइल में इसको लगा दीजिए और जैसे ही ग्रो करने लग जाए इसको आप खाद देना स्टार्ट कर दीजिए। ये पत्ते बहुत ज़्यादा हैं तो नए पौधे के लिए इतना सर्वाइव करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं इस पत्तियों को अभी कटर के सहायता से कट कर लूँगा। फूल ये अब मार्च और अप्रैल के सीजन में देगा तो तब तक ये फिर से ग्रो कर जाएंगे दोस्तों। अभी जितना कम पत्ता रहेगा उतना जल्दी सर्वाइव करेगा ये पौधा। ये देखिए इस तरीके से इस पत्तियों को आप काट के इस पौधे को छोटा बना सकते हैं। ये बाद में सूख ही जाएगा इसलिए अभी इसको कट कर देते हैं ताकि ये सीजन आने तक फिर नए पत्तों के साथ आपके बगीचे को हरा भरा कर सके और फूलों से लकदक कर सके। इन सभी को मैं एक एक करके काट दूंगा। इसको मैं शॉर्ट करके ही दिखाता हूँ दोस्तों, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मैंने कट कर लिया, अब इसी तरीके से सारे को कट करके जब प्लांटेशन करने जाऊंगा तो फिर से आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मैंने पौधे को अलग अलग सेपरेट कर लिया है, अब इसको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ।
उसी ग्रो बैग में जिसे मैंने अभी खुद तैयार किया है, कट्टों के सहारे जो वेस्ट कट्टे थे उसको मैंने ग्रो बैग में तब्दील किया था। इसका अलग से वीडियो भी मैंने बना रखा है, यदि आप देखना चाहें घर बैठे कैसे मुफ्त में ग्रो बैग तैयार करते हैं तो वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप ज़रूर इसको देखिएगा, इससे आपको भी फायदा मिलेगा दोस्तों, आपकी बेकार चीज़ को यूटिलाइज करने का मौका मिल जाएगा आपको। तो ये बड़ा सा ग्रो बैग है, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करूँगा, थोड़े से ज़्यादा इसको काट दूँगा क्योंकि जब एक्सरसाइज में इतने जब की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर ये ग्रो करेगा। बोलते रहिए कुछ ना कुछ। तो ये एक छोटा सा पौधा इस किनारे लगा देता हूँ, तीन पौधा इसमें लगा देता हूँ, इसी तीन से अगले साल आप देख लेना कम से कम 13 पौधे हो जाएंगे इसके। एक बार यदि ये पौधा आप गार्डन से अपने घर ले आए तो फिर दोबारा इस पौधे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, बल्कि इतना पौधा हो जाएगा कि आपके गार्डन इससे भर जाएगा और आपको पड़ोसियों को बांटने तक की नौबत आ जाएगी। तो ये बड़े फायदे का सौदा है दोस्तों, एक बार अपने घर ले आएँ और एक पौधे से ढेरों पौधे तैयार करें, दूसरों को भी बांटें। दूसरों को बांटने से ये होता है कि जो पौधा आपके पास नहीं है वो दूसरा भी अपने एक्सेस पौधे को आपके साथ शेयर करेगा। इसमें क्या होता है कि दोनों ही बगिया में अलग अलग तरीके के ढेर सारे फूल मिल जाता है आपको। एक और इसको मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पे, जितने पौधे लगाऊँगा उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, उतना ही ज़्यादा फूल आएंगे, तो भरे भरे गमले देखने में अच्छा लगता है। ये मैं यहाँ लगा दिया, इसको भी यहीं पर एडजस्ट कर दूंगा, इसमें भी जब कुछ ज़्यादा ही है इसको बताना पड़ेगा। ये तो ये हमने काउंटिंग लगा दिया, अब आपको मैं इसको मिट्टी से ढक लूँगा और छाँव में रख लूँगा इसको मैं एक सप्ताह के लिए, कम से कम एक सप्ताह के लिए। वैसे तो धूप अभी नवंबर का आखिरी सप्ताह सा चल रहा है, आज 22-23 तारीख हो गया, तो अभी धूप ज़्यादा तेज़ होगा नहीं, फिर भी इसको डायरेक्ट सन से अभी मुझे बचाना है, इसलिए मैं इसको थोड़ी कोटिंग करने के बाद छाँव में ही रखूँगा दोस्तों एक सप्ताह के लिए, जिससे धूप से इसको नुकसान ना पहुँच पाए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज मेरे साथ कैमरा के पीछे जो मेरा सहयोग कर रहे हैं वो हैं मिस्टर यस की सहायता से ही ये वीडियो बना पाना आज संभव हो पा रहा है, इसके लिए यस को धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एक और बचा हुआ पौधा था, इसको भी इसी उसको जितना मिट्टी डाल दो वो सही है, जड़ तो कम से कम मिट्टी से ढक ही जाना चाहिए दोस्तों, उसके बाद जब ये ग्रो करने लग जाएगा उसमें गोबर का खाद मेरे पास बना तैयार करा है वो डाल दूंगा, बड़ी तेज़ी से ये ग्रो करता रहेगा। कुछ लोग अपने ब्लॉग्स में बताते हैं कि गार्डन के सॉयल में आपको कोकोपीट मिलाओ, बर्मी कंपोस्ट मिलाओ, तभी आपके पौधे ग्रो करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, उसी गार्डन सॉइल को मैंने केवल यूज़ किया है और गोबर की खाद या सूखे पत्ते से जो लीव कंपोस्ट बनता है वो मैंने अलग से बना के रखे हुए हैं दोस्तों, उसको मैं इसमें तब इस्तेमाल करूँगा जब ये पौधे ग्रो करने लग जाए, उससे पहले इसको खाद की ज़रूरत ही नहीं है, केवल हल्का मॉइस्चर बना के रखने के लिए आप इसको पानी डालते रहें सुबह हल्के हल्के। इस गमले का सारा मिट्टी दोस्तों लगभग इसी गमले के लिए इस्तेमाल कर लिया, और ये मिट्टी कमज़ोर तो ज़रूर है लेकिन बेकार बिल्कुल नहीं है, कमज़ोर इसलिए है क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है
और इस मिट्टी में जान फूकने के लिए मैं इसमें, जैसे ये पौधे ग्रो करने लग जाएंगे, मैं इसमें मिलाऊंगा गोबर का खाद और लीव कंपोस्ट, जिससे इसमें दोबारा मिट्टी में जान आ जाए और मिट्टी की जान इन पौधों को जान बढ़ाने में काम आए। तो ये है दोस्तों, इस पॉट की दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि पॉट बहुत बढ़िया, कम से कम साल भर तो आराम से निकालेगा, लेकिन इसको आप बार बार इधर से उधर नहीं कर सकते। एक बार कोशिश करें जहां रख दें वहीं ये रखा रहे। तो आपको रखने के टाइम में ऐसे लोकेशन चूज करना है जहां इस टाइप के पौधे इजिली सर्वाइव करें, ताकि हमें बार बार धूप से छांव, छांव से धूप में ना करना पड़े इन पौधों को। बस कट करो। फाइनली दोस्तों, हमने इस पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद फाइनल प्लेस पे रख दिया, जहां ये पौधा हमें मार्च अप्रैल तक यहीं रहेगा और बढ़िया से बढ़िया फूल देता रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है और हमने बस केवल हल्के हाथ से पानी दे देना है दोस्तों। ऐसे आप पानी डालें, यदि आपके पास मग्गा से ही पानी डालने का व्यवस्था है तो हाथ जरूर लगा दें, नहीं तो इसके जड़ें हिल जाएगी और पौधा खराब होने का पूरा चांस रहेगा। तो ये था दोस्तों प्लांट सेपरेशन का वीडियो, जिसे मैंने आपको दिखाया था कि विंटर लिली को हम कैसे एक पौधे से अनेक पौधे में डिवाइड कर सकते हैं और अपने गमले में लगा सकते हैं। तो जैसे आपने पिछली वीडियो को दोस्तों सपोर्ट किया था, लाइक किया था, ठीक उसी तरह इस वीडियो को भी सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मैं आपके लिए अगली बार किस टॉपिक पे नया वीडियो लाऊं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ।